हाल में गणेश चतुर्थी नो पावन अवसर चाली रह्यो छे त्यारे दरेक नाना मोटा पंडाल ने अनोखी रीते शणगारवामां आव्या छे। सूरत जिल्लाना बारडोलीना बाबेन गामे शिव गणेश मंडळना युवकों द्वारा पण गणेश पंडालमां जागृति रूप डेकोरेशन करायेलू जोवा मळ्युं हतुं। शिव गणेश मंडळना युवकों द्वारा रसीकरण अभियान ने वेग आपवा जागृति रूप डेकोरेशन करीने बाप्पा ने आवकारवामां आव्या छे। त्यारे आवो जोईए शिव गणेश मंडळना युवकोना अनोखा आयोजन पर एक विशेष अहेवाल। आ वर्षे सरकार द्वारा गणेश उत्सव की मंजूरी अपाता भक्तों में आनंद की लागण छवाई है। जो कि कोविड गाइडलाइन प्रमाण शोभायात्रा पर प्रतिबंध होवाथी बारडोली बाबेन गा में शिव गणेश मंडल युवकों द्वारा बापा अनोखी रीते आगमन करेलू जोवा मळ्युं। मंडल युवकों द्वारा गामना मुख्य मार्ग पर भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापन करायुं छे। आ वर्षे पंडाल में मंडळना युवकों द्वारा थीम अने रसीकरण अभियान ने वेग आपवा जागृति रूप डेकोरेशन करायुं छे। युवकों द्वारा पंडाल में कोरोना ने लईने जागृति रूप बेनरो लगाववामां आव्या छे। आ अंगे शिव गणेश मंडळना युवकोनुं कहेवुं छे कि हाल में कोरोना काळ चाली रह्यो छे अने लोकोमां वधु जागृति आवे ते माटे अमने आ थीम पसंद आवी छे। बेनरोमां खास करीने रसीकरण अभियान पर खास भार मूकवामां आव्यो छे। युवक मंडल द्वारा दर वर्षे गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करिए छे, पर गत वर्षे तो कोरोना ना कारणे स्थापना थई शकी नहीं थी, पर आ वर्षे सरकार श्री द्वारा परवानगी आपवामां आवी छे। तो अमे कोरोना नी उपर एक थीम बनावी ने गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करी छे, जे कोरोना में उजवणी में भागरूपे कोई सावचेती राखे तेमज कोरोना ना नियमों नु पालन करीने सोशल डिस्टन्स तेमज मास्क फरजियात पहेरी एवी एक थीम तैयार करी लोको में जागृति लावी અમારે બાબેન શિવ ગણેશ યુવક મંડળ દ્વારા દર વર્ષે અલગ અલગ રીતે અમે આયોજન કરતા હોઈએ છીએ, પણ આ વખતે કોવિડ ગાઈડલાઈનના પ્રમાણે અમે આ વખતે સૂત્રોને આ બધું લગાવીને લોકોમાં જાગૃતિ લાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। અમે પોતે પણ વેક્સિન લીધી છે ને લોકો જે અમારા ગણપતિના મંડપને દર્શન કરવા આવે છે તે લોકો પણ આ સૂત્ર જોઈને એ લોકોને પણ આમ કંઈ નવું વસ્તુ જોવા મળે કે નવી જાગૃતિ મળે એ પ્રમાણે અમે આ વસ્તુનું આયોજન કરેલું છે જેથી લોકોમાં જાગૃતિ આવે। આમ આ પ્રકારે શિવ ગણેશ મંડળના યુવકોએ વેક્સિનેશનના મહત્વ પર સંદેશો આપ્યો છે। અમિત ચાવડા, નિર્માણ ન્યૂઝ, બારડોલી। આજથી સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીની રેગ્યુલર એક્સટર્નલ એક્ઝામ શરૂ થઈ છે। 11,000 જેટલા